नमस्कार दोस्तों, मौसम चुनावी हो गया है। जैसे हर साल के अलग अलग मौसम होते हैं, सावन आता है, बसंत आती है, पतझड़ आती है, बहारें आती हैं, ऐसे ही एक चुनावी मौसम होता है जो 5 साल में एक बार आता है। और चुनावी मौसम का हर आम और खास को इंतजार रहता है, चाहे वो लोग जो राजनीति में रुचि रखते हैं, चाहे वो लोग जिनका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, चाहे वो लोग जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़वाना चाहते हैं, और चाहे वो लोग जो केवल मतदाता हैं, देखना सभी चाहते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। अब क्योंकि चुनावी मौसम जो है ये पूरे पीक पर है, आने वाले 2-2.5 महीने के अंदर हरियाणा का विधानसभा चुनाव होना है, 3 नवंबर को हरियाणा की असेंबली नई बन जानी है, हरियाणा में नई सरकार बन जाएगी, तो उसको लेकर तमाम गतिविधियां जोरों पर हैं। जो राजनेता चुनाव लड़ने के इंटरेस्टेड हैं, उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज जिनको कि अपने कैंडिडेट तैयार करने हैं, तो वो अपने कैंडिडेट्स के बायोडाटा ले रहे हैं, उनसे आवेदन मांग रहे हैं। और ऐसे ही एक नेता मेरे साथ में है जिन्होंने अभी आवेदन किया है पलवल विधानसभा से कांग्रेस के लिए, फिरे सिंह पोसवाल। नमस्कार फिरे सिंह जी, आपका स्वागत है देश रोजाना पर। सबसे पहले तो मैं अपने बड़े भाई आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आपके दर्शकों का भी हार्दिक अभिनंदन, आपके बीच आपका बहुत बहुत आभार जी। फिरे सिंह जी, बहुत देर कर दिया आते, बहुत लंबा टाइम हो गया, बहुत लंबे टाइम बाद मैं आपको देख रहा हूँ पॉलिटिकल मंच पर। मुझे पता लगा कि आपने आवेदन किया है, इतनी दूरी क्यों थी? नहीं, ये तो मग्गू साहब आपका नज़रिया हो सकता है, लेकिन मेरा हमेशा सोशल सरोकार रहा है, जनता के बीच में भी रहा है और राजनीतिक गतिविधियों में भी हमेशा जुड़ा रहा हूँ। मेरा सक्रियता तो राजनीतिक रूप से 2008 से है, लेकिन मैं 2002 से ही छात्र संघ में रहा हूँ और अब तक टिल डेट तक भी मैं सक्रिय रहा हूँ। मैं एक परिचय और दे दूँ आपको फिरे सिंह पोसवाल जी का, दोबारा सवाल पर आऊंगा जो मैं इनसे कर रहा था। फिरे सिंह 2002 से राजनीति में सक्रिय है, छात्र राजनीति में। NSUI के प्रेसिडेंट थे, पहले पलवल कॉलेज के, फिर तिगांव कॉलेज के, उसके बाद NSUI के जिले के अध्यक्ष बने। NSUI से आए, फिर यूथ राजनीति के अंदर और यूथ कांग्रेस के अंदर पलवल विधानसभा के अध्यक्ष रहे 2 बार। एक बार जब पलवल और फरीदाबाद दोनों जिला ज्वाइंट हुआ करता था, तो जहां तक मैं ठीक हूं आप पलवल यानी कि ग्रामीण के अध्यक्ष रहे उस समय। और उसके बाद जब कांग्रेस का चुनाव होता है, आप देखते होंगे कांग्रेस के डेलीगेट वोट किया करते हैं, तो एक बार आप चुने हुए प्रधान रहे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष। आपकी बात दुरुस्त है मग्गू जी, लेकिन मैं 3 बार इलेक्टेड रहा हूँ जी। 3 बार इलेक्टेड रहे, तो 2 बार विधानसभा के। हाँ, 2 बार विधानसभा का रहा हूँ जी और 3री बार जिले का प्रधान रहा हूँ पलवल जिले के। यानी कि यूथ राजनीति में सक्रिय थे, युवा तो अब भी हैं, और लेकिन अब बाल थोड़े थोड़े सफेद होने शुरू हो गए मग्गू जी। वो आजकल बाल काले हो जाते हैं, कोई सुने, मेरे भी हो रहे थे, मैंने भी कराए। खैर, बात आ जाती है राजनीति की, युवा राजनीति की। हमारा जो देश है भारत, युवा देश है जी। हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है पूरी पूरे वर्ल्ड के अंदर कि जहाँ की लगभग 45% से ज़्यादा आबादी युवा है जी। फिरे सिंह जी, आप भी युवा हैं, युवाओं से ही आपने काम शुरू किया। अगर मैं आपका पार्टी का, जो आप कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं जी, अगर मैं आपके पार्टी के नेतृत्व की बात करूँ, तो आपके जो राष्ट्रीय नेता हैं राहुल गांधी, वो चिर युवा हैं, उम्र पे ना जाए तो चिर युवा कह सकते हैं। आज भी यूथ आइकन है वो। हाँ, यूथ आइकन है और विचारधारा भी यूथ है उनकी। और दूसरे दीपेंद्र हुड्डा जो आपके हरियाणा के अंदर है, आजकल वो यात्रा भी निकाल रहे हैं, तो वो भी यूथ आइकन है जी। कितने प्रभावित हैं दोनों की राजनीति से आप? देखो, मेरे आदर्श राहुल गांधी जी, उनके से प्रभावित होके मैंने राजनीति में कदम रखा, छात्र राजनीति शुरू की, फिर यूथ कांग्रेस में रहा। उसके बाद राहुल जी ने 2009 में कॉन्सेप्ट लेके आए पेन इंडिया, उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया पंजाब से जी, कि राजनीति में यूथ में इलेक्शन होना चाहिए और जो पोटेंशियल है, जिनमें इच्छा शक्ति है राजनीति में आने की, कि पहले कुछ और प्रक्रिया होती थी, मैं उस पर ज़्यादा प्रकाश नहीं डालना चाहता मग्गू जी। पहले चिट्ठियाँ दी जाती थी, हो सकता है बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि किसके दबाव में नहीं चिट्ठियां मिल जाती थी। तो राहुल जी 2009 में ये कॉन्सेप्ट लेके आए और एक फ्रेम संस्था है हमारी, अंतरराष्ट्रीय संस्था थी, उसके द्वारा चुनाव कराया गया जी, यूथ कांग्रेस का जी। तो राष्ट्रीय स्तर पे चला वो, तो उससे एक नर्सरी निकल के आई यूथ कांग्रेस की पूरे देश में। राहुल जी का वो ये पंजाब से शुरू हुआ, उसके बाद गुजरात और फिर हरियाणा तीसरे, फिर महाराष्ट्र में पूरे अब तक 3 चुनाव हो चुके हैं पेन इंडिया। तो एक नर्सरी, एक पौध तैयार की उन्होंने, उसका एक छोटा सा पौधा कह सकते हैं हम यहाँ पे।
तो उसके बाद इलेक्शन होने के बाद हमारी ट्रेनिंग होती थी JNLI के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू लीडरशिप इंस्टीट्यूट जी। तो एक परिपक्वता, एक लीडर में गुण क्या होने चाहिए, पब्लिक डोमेन में आपकी रीच क्या होनी चाहिए, बहुत सारे प्रोग्रामिंग उन्होंने दिए। जो है जौहरी विंडो थी कि आपका करेक्टर क्या होना चाहिए, जनता आपसे क्या उम्मीद करती है, तो चीज़ें वो ट्रेनिंग, मैं मानता हूँ एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी वो जो ट्रेनिंग है वो बड़ी कारगर हुई। मतलब एक अच्छा राजनेता अगर बने जनता के बीच में कोई आदमी जाए तो निखर करके जाए, निखर के, वो उसका श्रेय मैं राहुल गांधी जी की जो इलेक्शन इलेक्टेड यूथ पॉलिटिक्स है उसको मानता हूँ। और दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे बिल्कुल मार्गदर्शक हैं, युवा नेता है, जमीन से जुड़े हुए हरियाणा में नहीं अभी तो मैं कहूँगा कि पेन इंडिया, उनसे लोग बड़े प्रभावित हैं। और मेरा मानना जहां तक है वो ये है कि दीपेंद्र हुड्डा जी बड़े लोकप्रिय नेता। आजकल दीपेंद्र हुड्डा वैसे भी लोकसभा में बड़े सक्रिय दिखाई देते हैं, जितना राहुल गांधी जी होते हैं बराबर बराबर दीपेंद्र हुड्डा मिलते हैं लोगों को सुनने के लिए। सक्रिय तो नजरिया अपना अपना हो सकता है, मेरा मानना है दीपेंद्र हुड्डा जी जब से आए हैं तो हर बार के अनुभव अलग निकल के आते हैं जी। तो सक्रिय पहले से ही है दीपेंद्र हुड्डा जी, और उनकी कार्यशैली कभी आपका, क्योंकि मेरा जुड़ाव रहा है लंबे टाइम से, जब से मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना हूं, मेरा जितना मानना है दीपेंद्र हुड्डा जी का जो लोगों के साथ जो संवाद है, जब तक वो हर इंसान से मिल नहीं लेते, उनके पास दूर दराज से लोग आते हैं, जब तक उनको संतुष्ट नहीं कर देते तब तक वो अपने गंतव्य पे नहीं जाते। ये उनका मैं इंटरव्यू भी देख रहा था। हाँ, मैं बताऊंगा आपको कहने से पहले कि अब तक उनकी जितना भी है, उनकी मेरा मानना है कि 70% फ्लाइटें छूट चुकी है। तो उनका अलग अलग नजरिया हो सकता है, लेकिन वो सबसे पहले उनकी प्राथमिकता होती है जो उनके पास लोग चल के आए हैं उनकी समस्याओं को सुनना, और वो आत्मिक एक उनका जो संवाद होता है जी, जी, लोग उनसे बड़े संतुष्ट होते हैं। मैं उनके जीवन से बड़ा प्रभावित हूँ जी। अभी जो फ्रेसिंग जी बता रहे थे यूथ वाली चिट्ठी वाली बात नहीं बोल सकते थे, मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ करता था राजनीतिक दलों में, और आजकल भी कई क्षेत्रीय पार्टियों में सभी चल रहा है, या राष्ट्रीय पार्टियों में भी हम कह नहीं सकते, कि किसी नेता का बेटा या किसी नेता का खास समर्थक, उसके लिए कोई नेता चिट्ठी देते थे और फिर वो अपॉइंटमेंट हो जाती थी, उसको नियुक्ति कह दिया जाता था। और अगर माने तो राजनीति के अंदर जिस प्रकार से आप जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के जो ऑफिस बीरर बनते हैं, उसके पदाधिकारी बनते हैं, अगर उसके लिए भी वो चुनाव से होगा, तो फिर ये बात तो ठीक है कि राजनीति की नर्सरी जो होगी वो ज्यादा हरी भरी रहेगी। खैर, फिर सिंह जी मैं आपने मैं मगू जी इसमें थोड़ी सी बात आपको करेक्ट करना चाहता हूँ कि जैसे इलेक्टेड सिस्टम हुआ कि उसका एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया कि हमारे हर बूथ पे एक समांतर 25, 30, 40 मेंबरशिप होती थी बूथ लेवल पे। उस बूथ लेवल पे हमारी 5 कमेटी बनती। जो शुरू का कॉन्सेप्ट आया था उसमें हमारी थी पंचायतें, पंचायतों में हम मेंबरशिप करते थे, फिर पंचायत में हमारे 5 पदाधिकारी चुन के आते थे, जिसमें एक हमारा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद हमारे SC महिला और एक OBC, 5 की कमेटी होती थी बूथ लेवल पे। हाँ, जनरल सेक्रेटरी, ये हमारा बूथ लेवल का स्ट्रक्चर था। अब 5 लोगों की कमेटी, फिर वो अपने विधानसभा अध्यक्ष को और प्रदेश अध्यक्ष के लिए वोट करते थे। तो जो हमारा यूथ कांग्रेस का वो स्ट्रक्चर है वो हमारा धरातल पे था। बूथ पे कमेटी होने का मतलब समझते हो कि हमारा 5 आदमी की कमेटी तो हमारी बूथ पे बन गई। हाँ, और फिर उसके बाद हमारे 50-40 की मेंबरशिप, 5 कार्यकर्ता बन गए। नहीं, वो तो हमारे ऑफिस बेरर हो गए, और उसके बाद हमारी 40-50 आदमी की हमारी वो टीम होती थी बूथ पे। ये यूथ के हमारे वो सक्रिय यूथ होती थी। तो जी, तो पार्टी वाली जो आप चुनावी राजनीति से तो आप निकल चुके हैं जी, चुनावी राजनीति पार्टी की हो भी चुकी, 3 बार आप वहाँ का चयनित हो भी गए, चुनाव भी आपका चयन भी हुआ, अभी आपने आवेदन किया है पलवल विधानसभा के लिए जी। क्या आपका पलवल को लेकर के नजरिया है? और जो मैं आपसे कह रहा था कि पलवल क्षेत्र से आपकी कुछ समय से कुछ दूरी लगती थी, तो आपने कहा कि आप, मैं उसमें ठीक नहीं था, आप मुझे ठीक करें कि कैसे दूरी नहीं थी, और आपका नजरिया क्या है पलवल को लेकर के? मगू साहब, पिछले लंबे टाइम से मैं आपको बताया, मैं विधानसभा अध्यक्ष रहा, जिला अध्यक्ष रहा जी, बूथ बूथ पे कमेटी रही, और सारा आप उसका परिणाम भी देखोगे तो मेरे साथ को ज्यादा मुकाबला नहीं रहा,
कि 95% वोटर मेरे साथ रहा है, चाहे मेरा विधानसभा का रहा है जिलाध्यक्ष का, तो उनके साथ मेरा एक आत्मीय संबंध, मेरे साथी जो टीम रही है, तो जब एक संबंध हो जाता है तो शायद आपको ये लगता है कि मैं सोशल नेटवर्किंग पे नहीं दिखा या नहीं, सोशल मीडिया पे दिखे आप तो फिर दिखा कहाँ नहीं, ग्राउंड पे, ग्राउंड में वो करेक्ट करना चाहूंगा कि सुख और दुख और काम के बीच मैं हमेशा रहा हूं। सरकार के दौरान भी मैं बहुत सारे आपको अनगिनत ऐसे उदाहरण दूंगा, मैं हमेशा लोगों की सेवा में रहा, मैं बहुत लोगों को आपको नंबर दे के जाऊंगा, वो किसी जाति विशेष वर्ग से नहीं है, सभी कास्ट के साथी हैं हमारे, उनको आप पूछना मेरा काम करने का तरीका क्या था। जी रही बात सरकार जाने के बावजूद भी, मैं लोगों के साथ, मेरी जो टीम है मेरा वो एक परिवार की तरह है, आज जहां भी जाओगे उनमें आप मेरे बारे में कभी पूछोगे तो मेरे आज भी उनके साथ वही संबंध है, और सुख दुख में सभी सरोकार में रहता हूं, और जैसे भी आज भी जो कैपेबिलिटी है उनके साथ में खड़ा रहता हूं। अब आती है विधानसभा के चुनाव के आवेदन की, पार्टी ने आवेदन मांगा मग्गू जी, और मैं पार्टी का एक सिपाही रहा हूं, तो एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैंने भी आवेदन किया है, और पार्टी को जो उचित लगेगा, जो उनको लगेगा, जो पार्टी ने जो नीतियां तैयार कर रखी है उस पर परस्पर वो चीजें देखेंगे। आपको बताता चलूं कि अभी हाल ही में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो मैंने भी फिरे सिंह पोसवाल की कार्यशैली कई स्थानों पर देखी कि ये लोगों के बीच जाते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे, और उसके बाद में विधानसभा क्षेत्र के जो गांव थे, खासकर बैसलात के गांव हो या फिर पलवल शहर के, शहर का एरिया हो या पलवल का और एरिया हो, कई जगह हमारा भी उस समय पर जब हम चुनाव के दौरान जाते थे तो आमना सामना हुआ। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि फिरे सिंह पोसवाल जो हैं, महेंद्र प्रताप जी का जो इलेक्शन था पलवल विधानसभा क्षेत्र में, इनकी काफ़ी बड़ी भूमिका रही थी। फिरे सिंह जी, अगली बात अगर आते हैं विधानसभा चुनाव की, तो विधानसभा चुनाव में पलवल विधानसभा क्षेत्र के लिए कई बड़े दिग्गज कांग्रेस के अंदर हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे बड़े नेता हैं, तो उनमें फिरे सिंह पोसवाल खुद को कहाँ देखते हैं? देखिए जी, आपके क्वेश्चन में दूसरा भी क्वेश्चन है मग्गू साहब, सभी लोगों ने चुनाव लड़ा, कलेक्टिव होके चुनाव लड़ा, तो उस पर बहुत चीज़ें, समीक्षाएं चली, मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, सभी लोगों ने मेहनत की, परस्पर बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सभी ने अपना अपना जितना जिस पे योगदान था उन्होंने योगदान दिया, मैं हो सकता हूँ, मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, और जितने भी हमारे कार्यकर्ता, और ज़्यादा स्पष्ट कहना यह है कि जनता ने चुनाव को लड़ा। जी जी, और आगे आप दूसरा जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो दोबारा एक बार बताओ। मैं कह रहा हूँ कि पलवल के अंदर, पलवल विधानसभा के लिए बड़े कई कद्दावर नेता भी हैं, टिकट के लाइन में हैं, कांग्रेस के अंदर भी हैं, कांग्रेस के बाहर भी हैं, कुछ जो कांग्रेस के टिकट के लिए लाइन कतार में हैं, उन सबके बीच में फिरे सिंह पोसवाल खुद को कहाँ पाते हैं? इसका तो उत्तर मैं आपको पहले दे चुका हूँ मग्गू साहब, कि मैं एक पार्टी का वफादार कार्यकर्ता हूँ जी, और शायद संगठन के होने के नाते तो मेरा दायित्व भी बनता है, और मैं अपने आप को वहाँ पार्टी के नाते कांग्रेस पार्टी की तरफ से आवेदन मैंने किया है, और यदि पार्टी उस पर विचार कर सकती है और यदि वो समय बताएगा कि मैं अपने आप को कहाँ मानूंगा, लेकिन एक कार्यकर्ता होने के नाते मैंने इसको आवेदन किया है। जिलाध्यक्ष आप रहे, पलवल विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष रहे, टीम तो आपके पास होगी बनी हुई एक संगठन, क्योंकि संगठन जो संगठन का सबसे बड़ा पद होता है वो अध्यक्ष होता है, चाहे वो गाँव स्तर से लेकर के और नेशनल स्तर तक हो। जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ आप विधानसभा अध्यक्ष भी रहे और पलवल के जिलाध्यक्ष भी रहे, तो टीम आपके पास होगी ही, ठीक है जी। उस टीम के बूते आप क्या समझते हैं कि पलवल विधानसभा क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, कहाँ तक आपने देखी, कहाँ तक आपको लगता है कि अभी कितना काम हुआ? 10 साल पहले आपकी सरकार थी, आपने खुद भी कहा, कितना काम वो उस सरकार के दौरान में छूट गए, कितने काम और होने चाहिए थे, तो उनको लेकर के आपके पास कोई योजना हो कि भाई मुझे, अगर मैं बन जाता हूँ, मुझे मौका मिल जाता है या पार्टी मौका देती है तो ये करेंगे, ऐसी कोई प्लानिंग है आपके पास? देखो मग्गू साहब, जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता साथी रहे हैं तो उसका फ़ायदा तो मैं बताऊंगा कि उन्होंने जाके लोकसभा में भी हमारा परिणाम दिया, और वो चाहे मैं प्रतिनिधि, मैंने आवेदन किया है, लेकिन पार्टी का जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसके लिए पूरी ताकत के साथ हमारे साथी, हमारी टीम, हमारे बूथ लेवल का कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। मतलब टिकट मांगना राइट है, आवेदन करना अधिकार है, वो आपने अपने अधिकार का पालन किया जी,
अधिकार में अगर नहीं मिलता तो फिर कर्तव्य शुरू हो जाता है, कर्तव्य शुरू हो जाता है, वो मेरी पार्टी के लिए जो मेरा दायित्व बनेगा उसको निर्वहन करेंगे। रही बातें कि हुड्डा सरकार में जो पलवल को दिया, आप अनभिज्ञ नहीं हो, पलवल के आप धरातल पे आपका मग्गू साहब बड़ा सरोकार रहा है, लेकिन मेरा मानना रहा है कि पिछले 10 साल में, चाहे हम, मैं बड़ी स्पष्ट बात कहूँगा कि सबसे पहले रोजगार की बात करें हमारे यूथ के लिए, एम्प्लॉयमेंट की बड़ी समस्या है, बड़े मुद्दे हैं जैसे अग्निवीर के बारे में बोला, लेकिन दूसरी यदि बात करें कि हमारे क्षेत्र को, पलवल क्षेत्र को हुड्डा साहब ने, ये हमारा जितना भी ये पलवल पृथला है इसको इंडस्ट्रियल जोन बनाया, बहुत सारी फैक्ट्रियां आई, कंपनियां आई, लेकिन हमारे यहाँ लोकल लोगों को रोजगार मिला, लेकिन उसको हमारी बीजेपी सरकार और इसको आगे बढ़ावा नहीं दे पाए। दूसरा कारण है, आज पलवल शहर तो गंदगी का ढेर बना हुआ है, कचरा निस्तारण के ऊपर इनकी कोई ठोस पॉलिसी लेके नहीं आए। टेंडर तो बड़े बड़े होते हैं पर काम कुछ नहीं। सर ये तो आप बेहतर हैं, आप शहर के निवासी हैं और कलम है आपके पास, लिखते रहते हो, लेकिन एक शानदार शहर वो चीज जो हमारा सपना था वो नहीं है। सबसे पहले तो हम निस्तारण की बात करें, जलवायु की बात करें, पर्यावरण की बात करें, तो आज पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो इसके बारे ये चलो और चीजें हो गई, मैंने युवाओं के बात की है, उद्योगों के बारे में, यदि सरकार आती है, ये मेरा व्यक्तिगत नहीं है, हमारी पार्टी इन नीतियों पे आगे चल के काम करेगी, और ये चीजें आज हम लोग जाएंगे तो हम लोगों के बीच में ये चीजें पूछेंगे कि भी हमारी समस्याएं क्या है। विधानसभा चुनाव से पहले ये चीजें हमारे घोषणा पत्र में चीजें होंगी, तो हमारा कलेक्टिव ही होगा जिले का, क्योंकि मैं जिले के प्रधान भी रहा हूं, विशेष तौर पर पलवल विधानसभा और जिले लेवल की जो मूल समस्याएं हैं तो उनको ले जाके अपने प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रभारी जी के साथ इन चीजों को विशेष तौर पर घोषणा पत्र में करवाएंगे शामिल। चलिए, क्या लगता है अंतिम सवाल, क्या लगता है हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति क्या रह सकती है? देखिए, मैं भविष्यकर्ता तो नहीं हूँ, आम जनता के बीच में हम सुख दुख में होते हैं, तो मग्गू साहब स्पष्ट तौर पे हरियाणा सरकार कांग्रेस बनाने जा रही है, तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगी मेरा मानना है। तो ये थे फिरे सिंह पोसवाल, पलवल का मैंने आपको इनका बताया कि पलवल से इनका प्रोफाइल रहा है, जुड़ाव रहा है यूथ के अंदर, इनके पास कांग्रेस में बड़े कई पद रहे हैं और इन्होंने आवेदन किया है पार्टी के बतौर प्रत्याशी होने के लिए। कह रहे हैं अधिकार है अब सबको अपना दावा रखने का, और उसके बाद कर्तव्य आ जाता है। अगर आपका हक, आपको लगता है कि आपका अधिकार जो था आपने रखा और उसमें आप पार्टी ने कंसीडर नहीं किया, तो उसके बावजूद भी जो भी पार्टी का प्रतिनिधि होगा कर्तव्य बन जाएगा उसको विधानसभा तक पहुंचाना। निसंकोच, और विधान हमारे जिले में 3 विधानसभा है, जो पार्टी दायित्व देगी उस पर पूरी ताकत, जिले की 3 विधानसभाओं पर कह रहे हैं कि अपना जो भी दायित्व मिलेगा उसको निर्वहन करेंगे और आश्वस्त है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी जी। चुनावी सीजन है, आगे आने वाले समय में भी आपको नई और पुरानी शख्सियत, छोटे और बड़े नेता, तमाम लोगों के साथ आपको मिलवाते रहेंगे। उन लोगों के अंदर जनप्रतिनिधि भी होंगे, भविष्य के जनप्रतिनिधि भी होंगे और पुराने जनप्रतिनिधि भी होंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें, लगातार देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।